अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वलीमे पे जाने की तैयारियाँ जो है ना वो स्टार्ट हमने कर दी हैं। हसन का ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया है, कोट भी साथ रख दिया है। और जो है ना फिर अपना भी ड्रेस आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज कौन सा ड्रेस पहनना है। हसन जो है ना वो अभी इसलिए तैयार हो रहे हैं, अभी एक बजने वाला है, इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ना लाहौर जाना है। उनके कज़न जो है ना वो उमरा से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको ना पिक करने जाना है और वहाँ से वापसी पर ना वो सीधा हॉल पहुँच जाएंगे। तो हम लोग 8 बजे जाएंगे क्योंकि परसों भी हम थोड़ा जल्दी चले गए थे तो तब कोई ना इतने गेस्ट नहीं आए हुए थे। तो आज मौसम भी ना काफ़ी बना हुआ है ऐसे क्लाउडी सा, और हम कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे वॉश होने वाले। इधर इस रूम की हालत फिर इतनी ख़राब हुई पड़ी है तो इसको मैं ना कल समेटूंगी क्योंकि आज तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो कल इंशाल्लाह इसको भी समेटूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि रूटीन। और मैंने कुछ घर की चीज़ें ली हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। न्यू घर के लिए मैंने ना चीज़ें ली थी तो वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो ये चीज़ें अभी वैसे ही पड़ी रहें क्योंकि अभी मेरा कोई मूड नहीं इनको सही करने का। यहाँ पे मूसा जो है ना उसको इधर सुलाया क्योंकि उधर लाइट्स ऑन थी, और हसन जो है ना वो थोड़ा ज़ाहिर तैयार होते हुए लाइट्स ऑन हो तो शोर शराबा हो जाता है, तो मूसा सोता नहीं है तो इसको मैंने इधर सुलाया हुआ है। अब चलते हैं दूसरे रूम में और वहाँ पे मैं आपको ना अपना दिखाती हूँ आज का ड्रेस जो मैंने पहनना है। मैंने एक और निकाला था लेकिन हसन ने कहा है कि ये वाला पहन लो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी डिसेंट है और वलीमे के लिहाज से ना बिल्कुल सूटेबल है, तो ये पहन लूँगी मैं आज। ये देखें जी, काफ़ी प्यारा ड्रेस है। आपने भी कमेंट में बताना कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। ये मेरा बरी का ड्रेस था और मैंने ना 2 दफ़ा पहले पहना है, तो आज मैंने कहा चलो मैं ये पहन लेती हूँ फिर, क्योंकि अभी मुझे माशाल्लाह से ये सारे पूरे ड्रेस हैं तो कोई मसला नहीं है, आराम से ना फिट आ जाते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको ना हसन की तैयारियाँ दिखाती हूँ, वो जो तैयार हो रहे हैं और इतना जो है ना लड़कियों की तरह से लड़कियाँ बदनाम हुई हुई हैं कि लड़कियाँ बहुत देर लगाती हैं। ये देखें जी, ये बंदा भी काफ़ी टाइम से तैयार हो रहा है और जो है ना आपका ड्रेस चेंज हो गया है, शूज़ वगैरह। और बाकी जो है ना अभी आप देखिएगा कि परफ्यूम की हमने ऐसे बरसात कर देनी है, इतना ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हैं हसन कि तौबा, 2-3 दिन में ना इनका बॉडी स्प्रे हो तो वो तो ख़त्म हो। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हसन की अक्सर जो है ना मैचिंग सारी वो मैं करती हूँ, इनका मतलब कि सूट है ऊपर कोट वगैरह शूज़ सारा कुछ मैं ऐसे मैच करके रखती हूँ साथ, और वो भी ना शौक से पहनते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैचिंग सारी करती हूँ। तो आप भी अपने जो है ना इस रिश्ते को अपने हस्बैंड की ना काफ़ी काम जो है ना वो कोशिश किया करें कि खुद करें, इससे एक तो वो खुश रहते हैं और दूसरा ये कि आपको भी सुकून मिलेगा, खुशी मिलती है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम नौकर बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी 1 बज गया, हसन तैयार हो गए और इन्होंने ना अब लाहौर के लिए निकलना है क्योंकि ज़ाहिर टाइम लगेगा जाते हुए भी, और फिर फ़्लाइट का नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो किस टाइम की है लैंडिंग, मतलब कि उनकी कब की है, तो वो फिर ना उस हिसाब से हसन इसलिए पहले जा रहे हैं। फिर अगर टाइमली आ गए तो फिर हॉल आ जाएंगे, वरना फिर घर आ जाएंगे क्योंकि इधर फिर अली भाई तो होंगे ना, वो उधर शिरकत कर लेंगे तो वो मसला नहीं है। 7:30 जो है ना वो बज चुके हैं और हम लोग भी अब तैयारी पकड़ने लगे हैं क्योंकि 8 बजे हमने ना इंशाल्लाह हॉल में पहुंचना है। तो अब मैं आपको हॉल में जाके मिलती हूँ। अली भाई तैयार हो गए और जब अली भाई तैयार हो जाते हैं ना फिर वो ऐसे सबकी शामत आ जाती है कि जल्दी करो, तो बस हम तैयार होते हैं। यहाँ हम जी आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा डिकोर माशाल्लाह से हुआ हुआ है और अभी खाने का सीन चल रहा है और खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत यमी है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो है ना ओवरऑल सारी शादी मतलब कि अरेंजमेंट सारे बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और आबाद रहें। अच्छा जी, अभी हम लोग घर जाने लगे हैं। मैंने वो बस छोटे छोटे क्लिप्स ही बनाए थे, वो आपके साथ शेयर किए हैं। ज़्यादा जो है ना वो ज़ाहिर सारी मतलब कि फ़ीमेल्स थी तो उनकी ऐसे में वीडियो अलाउ नहीं थी, मुझे तो मैं नहीं बना सकती थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो अभी जो है ना गाड़ी आने लगी, हम उसका वेट कर रहे हैं, तो अभी आपसे घर जा के मिलते हैं। बच्चे पता नहीं सो गए हैं कि नहीं, तो वो जाके देखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। आप आज बहुत थक गई हूँ क्योंकि सारा दिन ज़ाहिर बच्चों को भी संभाला है साथ और फिर इधर भी आई हूँ तो काफ़ी थकन हो गई है। तो अब घर जा के मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे जो है ना वो सो गए हैं कि नहीं सोए। आज वैसे शुक्र है हम टाइमली फ्री हो गए हैं, परसों हमें इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी ना, 12 बजे घर पहुँचे थे, आज तो शुक्र है टाइम से घर आ गए। यहाँ पे जी बच्चे दोनों सो चुके हैं और ना वो जो इनकी आपा है उन्होंने सुला लिया इनको। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।